नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोग्रेस अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज है 15 अगस्त 2020 और आज हम बात करने जा रहे हैं आज के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और आज के इस वीडियो की PDF आपको अवेलेबल रहेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे से। कल मैंने आपसे पूछा था कि इन दो शहरों को जोड़ने वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है कि अभी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, और ये चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को जोड़ती है। और जितने भी द्वीप समूह हैं आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, चेन्नई से यहाँ सभी को जोड़ा जा रहा है। शुरुआत पोर्ट ब्लेयर से है, इसके बाद अंडमान निकोबार और भी आगे जो क्षेत्र हैं दमन दीव, ये इन सभी को यहाँ से जोड़ा जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ज़्यादा भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन जो है दूर संचार सेवाएँ उनको सुनिश्चित करना। और ये जो योजना है 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसके फायदे क्या होंगे? इसके फायदे ये हैं कि जो टेली कम्युनिकेशन है और टेली एजुकेशन है इसको बढ़ावा मिलेगा। छोटे जो उद्यमी हैं जो ई कॉमर्स में, उनके लिए अवसर मिलेंगे। और पर्यटन और रोजगार है, इनको बढ़ावा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़ को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को कब से मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 1999 से हर साल 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है युवाओं की प्रतिबद्धता और भागीदारी को सुनिश्चित करना और उसके बारे में जागरूकता फैलाना। और इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है? वैश्विक गतिविधियों में युवाओं की प्रतिबद्धता, ये है 2020 की थीम। और इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में युवा मामलों से संबंधित मंत्रियों के जो विश्व सम्मेलन हुआ था उसके दौरान घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली न्यूज़ को। किस राज्य सरकार द्वारा न्यूट्रिशनल एबिलिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध लॉन्च किया है? तो ये दूध लॉन्च किया है किसने? हिमाचल प्रदेश ने। और ये क्या करता है? ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। और इसको इसको तैयार किया गया है पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, और इस पर इनको पेटेंट भी मिल गया है। और ये क्या है? एक डिटॉक्स ड्रिंक है। इसमें क्या होता है? एंटी हैंगओवर, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, ये सारे कंटेंट होते हैं जो कि आपको री एनर्जाइज करते हैं और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो इम्यूनिटी होती है उसका 70% जो हिस्सा होता है वो हमारे फूड प्रोडक्ट से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस वेब पोर्टल की शुरुआत की है? तो अभी प्रधानमंत्री जी ने कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जो प्रत्यक्ष कर हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं, उसकी सुधार की दिशा में सरकार जो है महत्वपूर्ण उपाय करें। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? करों की दर में कमी लाना और प्रत्यक्ष कर जो कानून है उनको सरल बनाना। अब यदि बात की जाए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1954 को। और जो राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 है इससे ये अधिकार प्राप्त है। और जो प्रत्यक्ष कर कानून है उसके प्रशासन के लिए ये बोर्ड जिम्मेदार है। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज़। MSME मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस डिवाइस को लॉन्च किया गया है? तो जो MSME मंत्री हैं उनके द्वारा अतुल्य डिवाइस को लॉन्च किया गया है। अब ये अतुल्य डिवाइस करती क्या है? ये डिसइंफेक्टेंट करने का काम करती है। कोरोना वायरस कीटाणु को ये मुक्त कर सकता है महज 30 सेकेंड के अंदर, क्योंकि उसको विघटित कर देगा। और ये क्या करता है? 56 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे क्या करता है? COVID-19 का विघटन करता है। और ये 100% सेफ है क्योंकि इससे कोई भी यूवी रेज नहीं निकलती जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। और इसे प्रमाणित किया गया है DRDO के द्वारा और इसे बनाया गया है MSME मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आत्मनिर्भर भारत की एक और अच्छी पहल है।
लोकसभा ने कर्मचारियों के लिए शुरुआती स्तर पर किस भाषा का पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो अभी लोकसभा में जो है कुछ अधिकारियों के लिए फ्रेंच भाषा का जो एक सिलेबस है वो जारी किया है, और जिसमें जिसके तहत लगभग 57 अधिकारियों को पंजीकृत किया गया है, और इस पहल को जो है संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, जिसको शॉर्ट में हम प्राइड कहते हैं, उसके द्वारा लागू किया जाएगा, और भविष्य में जो है लोकसभा में जर्मनी, रूसी, स्पेनिश और अन्य महत्वपूर्ण जो ग्लोबल लैंग्वेज है, वैश्विक भाषाएं हैं, उसके पाठ्यक्रम को जो है शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा गोवा में, और ये जो है यह महोत्सव 1975 से एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है, और ये किसके द्वारा? राज्य सरकार की जो है एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा ये आयोजित किया जाता है, और 2009 में इस समारोह में लगभग 76 देशों की लगभग 200 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO की शुरुआत की है, यह कितने स्तरीय संगठन है? ये जो है ये 3 स्तरीय संगठन है, और इसका मुख्य कार्य क्या होगा? इसका मुख्य कार्य होगा नवाचार और स्वदेशीकरण को एक साथ लाकर जो है शीर्ष स्तरीय निर्देशन प्रदान करना, और रक्षा के क्षेत्र में भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाना। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि रक्षा मंत्रालय ने 101 जो विदेशी हथियार हैं उनको, रक्षा संबंधी वस्तुएं हैं, उनके आयात पर रोक लगाई है, ठीक है, और उनको भारत में ही बनाने की अब योजना बनाई जा रही है। तो आत्मनिर्भर भारत जो योजना है उसको, उस पर लागू अमल किया जा रहा है, और ये प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक वस्तुएं जो है भारत ही बना सके और भारत की मुद्रा है उसको मजबूत किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आई एलिफेंट नॉट कमोडिटीज रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो ये जारी की गई है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के द्वारा, और इसका टाइटल रहा एनिमल्स आर नॉट कमोडिटीज, एलिफेंट नॉट कमोडिटीज, और ये है रिपोर्ट में जो है भारत में मनोरंजन स्थलों पर जो हाथियों की निराशाजनक स्थिति को, पूरे एशिया में जो हाथी पर्यटन को जो रुझान आया है उस तरफ, इसके बारे में उसको बताया गया है, और इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है जो कि 2020 में लाया गया है, और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है एशिया में पर्यटन में उपयोग किए जाने वाले हाथियों की एक बड़ी संख्या है वो भारत में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में एरो 2 नामक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो अभी इसराइल ने एरो 2 नामक एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, और ये मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, और इसे जो है गाजा और लेबनान से होने वाले जो शॉर्ट और मिड रेंज के रॉकेट हमले हैं उनसे बचने के लिए, और ईरान की लंबी दूरी की जो मिसाइल है उसके लिए विकसित किया गया है। एरो 2 का जो परीक्षण है वो US मिसाइल डिफेंस एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से किया गया है, तो आगे आने वाली जो डिफेंस एग्जाम है उनके हिसाब से तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण रोशन है। किस देश के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत ने 500 मिलियन डॉलर की मदद की घोषणा की है? तो भारत ने जो है मालदीव के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन डॉलर की मदद की घोषणा की है, ठीक है, जिसमें से क्या होगा 400 मिलियन लाइन क्रेडिट और 100 मिलियन जो है अनुदान के रूप में दिया जाएगा, और भारत जो है 6.7 किलोमीटर जो ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसको वित्त पोषित कर रहा है, और मालदीव का ये सबसे बड़ा नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहेगा, और जो भारत मालदीव है सार्क और दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ के सदस्य भी हैं, और दोनों साफ्टा के जो है हस्ताक्षरकर्ता भी हैं। तो आपको मुख्य बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि 500 मिलियन की जो है वित्त पोषण भारत ने किया है मालदीव के लिए, जिसमें से 100 मिलियन डॉलर जो है ये अनुदान के रूप में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त या 13 अगस्त?
तो आज के लिए बस इतना ही, और आज के इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल पर, चैनल से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।